आज यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और ये जो किताब कंपनी में जो की तरफ से गलती हो गई थी, हमने उसको सुधार करके उसको दुरुस्त करके आपके सामने ये छापी गई है। एक इसी के लिए माफ़ी मांगते हुए ये एक हमने एक लेटर आप लोगों को सुपुर्द किया है। हम माफ़ी चाहते हैं और आगे कभी इस तरह की बात नहीं होगी। और मालिकों को बड़ा उसमें कष्ट है, वो उनको किसी भी तरह किसी धर्म को मज़हब को किसी तरह की वो करने की उनकी मंशा नहीं थी। ये हो गया है, माफ़ी चाहते हैं बहुत आप लोगों से, आप हमें माफ़ करें। और मैं ऊपर वाले खुदा से भी पैगंबर साहब से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि वो हमें माफ़ करें। साथियों, हमारी खबर का उन्वान है पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों ने माफ़ी मांगी। खबर तफसीर से सुन लें। इस खबर के लिए और इस काम के लिए मिल्ल कौंसिल सहारनपुर के सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी का हम नहायत शुक्रगुजार हैं। खबर तफसीर से सुने। विद्या प्रकाशन मंदिर निजी कंपनी के जिम्मेदार डॉक्टर जयशंकर अत्रे, संदीप जैन और मनीष ने रुकन पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान की रहायशगाह पर सहारनपुर पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई गुस्ताखी पर मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से तहरीरी तौर पर माजरत की माफ़ी मांग ली है। आपको बता दें कि जो विद्या प्रकाशन मंदिर नामी लिमिटेड कंपनी है, इसके यहाँ से एक किताब शाह हुई थी जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी। मुस्लिम समाज में उस पर इश्तियाल था, गुस्से में थे वो लोग। कंपनी के मालिकान आज सहारनपुर में एमपी हाजी फजलुर रहमान के यहाँ पहुँचे और बाकायदा तहरीरी और वीडियो माफ़ी मांगी। ये वीडियो बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के मामले में आज विद्या प्रकाशन मंदिर निजी कंपनी लिमिटेड दिल्ली के डॉक्टर जयशंकर अत्रे, संदीप जैन और मनीष सहारनपुर लोकसभा के रुकन हाजी फजलुर रहमान की रहायशगाह पर पहुँचे और मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात की। एमपी हाजी फजलुर रहमान और मुस्लिम बिरादरी से गुफ्तगू करते हुए कंपनी अहदेदारों ने कहा कि इस कंपनी का मुस्लिम समाज के जज्बात को ठेस पहुँचाना कोई इरादा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ये इत्तेफाक के तौर पर हुआ है। मेंबर पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने बताया कि कंपनी के इस काम से मुस्लिम समाज में सख्त बरहमी है और ऐसी कोई भी हरकत ना हो इसका ख्याल रखा जाए। हाजी फजलुर रहमान ने आगे कहा कि कंपनी की जो भी किताबें मार्केट और स्कूल में गई हैं उन तमाम किताबों को वापस मंगवाया जाए। इस मौके पर शहर कादिर नदीम अख्तर, मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी, ज़िला सदर आल इंडिया मिल्ल कौंसिल सहारनपुर, साबिक एमपी मरहूम नवाब मंसूर खां के अली खां के बेटे साद अली खां, मुनीस रजा, मौलाना फरीद मज़ाहरी, मैनेजर जामे मस्जिद, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अरसलान, उम्मीद खां, अमजद अली खां, शाहकार खां, वजाहत अली खां, हैदर रऊफ़ शाह नज़र, अमर राणा, गयूर अली, आकिल फारूकी एडवोकेट वगैरह मौजूद रहे। हम मौके की चंद तस्वीर और वीडियो आप देखें।